नीलम बाटा रोड ओयो होटल में चलाता था कसीनो। कसीनो खिलाने के लिए लिया था ओयो होटल को किराए पर। कसीनो खिलवाने के लिए किराए पर लाई गई थी विदेशी लड़कियां। खिलाड़ी को रिझाने के लिए होता था विदेशी लड़कियों का इस्तेमाल। कसीनो के लिए हर रोज रात को अलग अलग जगह होता था चुनाव, जिसकी लोकेशन खिलाड़ियों के पास व्हाट्सएप ग्रुप पर पहुंचती थी। कसीनो में होता था 100 से 2000 रुपए तक का खेल। कसीनो खेलते 14 लोग गिरफ्तार। गिरफ्तार हुए लोगों में 2 लड़कियां शामिल। फरीदाबाद क्राइम ब्रांच ने सेक्टर 30 के ओयो होटल पर मारा छापा। फरीदाबाद NIT नीलम बाटा रोड के ओयो होटल में कसीनो जुआ चलता था। कसीनो संचालक किराए पर लाई गई लड़कियों से कसीनो खिलवाता था, जिसके लिए उसने ओयो होटल को किराए पर लिया हुआ था। क्राइम ब्रांच की टीम ने सूचना के आधार पर ओयो होटल में छापेमारी की और 2 लड़कियों सहित 12 लोग गिरफ्तार किए, जो कि रंगे हाथों जुए खेलते हुए पकड़े गए। पुलिस प्रवक्ता ACP धारणा यादव ने बताया कि इंस्पेक्टर विमल कुमार को सूचना मिली थी कि NIT में एक होटल में कसीनो जुआ चल रहा था। उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देश अनुसार क्राइम ब्रांच की टीम ने सोमवार की रात को ओयो होटल में छापेमारी की। क्राइम ब्रांच की टीम ने मौके पर कसीनो खेल रहे 12 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा टीम ने 2 लड़कियों को भी पकड़ा, जो कि वहां पर लोगों को कसीनो खिला रही थी। आरोपियों के कब्जे से 1,03,450 रुपए नगद, 101 कसीनो प्लेइंग कार्ड, 500 रुपए के 1,470 गैम्बलिंग चिप, जिनका कुल मूल्य 7,35,000 रुपए बरामद किए हैं। पकड़े गए लोगों में 3 लोग दिल्ली के और बाकी 9 लोग फरीदाबाद के अलग अलग स्थानों से हैं। पकड़े गए लोगों में नितिन, अंकित, अनिल, हरनेक, अनुराग, फिरोज, संदीप, अमित, जतिन, निकेत, योजना और शगमु शामिल हैं। पूछताछ में मुख्य आरोपी निकेत आजाद ने बताया कि वे होटल किराए पर लेकर कसीनो खिलाता था और किराए पर लाई गई लड़कियों से वो कसीनो खिलवाता था। खेलने वाले फंटरो यानी कि खिलाड़ी को खेल शुरू होने से पहले ही बोली के हिसाब से चिप यानी कि टोकन बिकवा देता है, जिसकी कीमत 100 रुपए से 2,000 रुपए तक की होती थी। रात को खेलते वक्त सभी खिलाड़ी अपने टोकन को लेकर गेम खेलते हैं। टोकन हार जाने या जीत जाने पर अगले दिन में ही उनका हिसाब कर देता है। ACP धारणा यादव ने बताया कि हर बार ये लोग अलग अलग फार्म हाउस, होटल का कमरा इत्यादि बुक करते थे, ताकि पुलिस को इस काम की भनक न लग सके। इसके लिए हर रोज रात को अलग अलग जगह का चुनाव किया जाता था, जिसकी लोकेशन ये लोग व्हाट्सएप पर ग्रुप में शेयर करते थे। ACP धारणा यादव ने बताया कि आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उनके खिलाफ थाना कोतवाली में जुआ अधिनियम के तहत के मुकदमा दर्ज किया और कानूनी कार्रवाई की गई।